रेवाड़ी का, जज्जर का जीएचएस ऐसे लगा रखा है, तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का सबका अलग अलग किया हुआ है, तो उसके अनुसार वो रजिस्ट्रेशन है वो वहां से देख सकते हैं, और जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है वो इस फॉर्मेट के थ्रू इसमें रजिस्टर्ड कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ से जब आपका रजिस्टर हो जाएगा तो अब आपके पास ये होती है इसकी साइन। अब आपका रजिस्टर्ड हो गया, अब यहाँ पर यूजर आपके यहाँ पर दिखाई देंगे, ये यूजर्स हैं, इससे ये आपका एज ए डीडीओ एडमिन, और ये हमारा जो मेन जो काम रहेगा, एक तो डीडीओ रजिस्ट्रेशन से रहेगा और एक एचओआर हेड ऑफ ऑफिस, ये जो दो हैं इसके थ्रू ही हम इसको भेज सकते हैं। पेंशनर अपने पीपीओ के थ्रू इसमें अपने आप को रजिस्टर कर सकता है, उसके डीडीओ के द्वारा जो भी डाटा उसका भेजा गया है, जो भी रिवाइज केस भेजा गया है, वो अपने पेंशनर पोर्टल से लॉग इन करके अपना डाटा देख सकता है। वो कुछ कर नहीं सकता, वो देख सकता है उसको क्या मेरा रिवाइज भेजा है, कहाँ पे पेंडिंग है, एजी के पास है, डीडीओ के पास है, या हेड ऑफ ऑफिस के पास है, कहाँ पे मेरा केस है, वो उसकी स्टेटस देख सकता है। तो यहाँ से उसी के अनुसार वो वहां पे अपने डीडीओ से रिक्वेस्ट कर सकता है कि ऐसा मेरा इस स्टेज में केस है, उसके बाद फर्दर इसका क्या कर रहे हैं। तो ये इसके अंदर इसमें दिए हुए यूजर्स दिए हुए हैं, यहाँ से ये हो गए यूजर्स। अब बारी आती है आप केस कैसे तैयार करें, यहाँ पर ये तो अप्लाई